आता एक धक्कादायक बातमी आहे. रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णाला देण्यात आलेल्या सूपमध्ये रक्ताने माखलेले कापसाचे बोळे आढळल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात समोर आली आहे. या प्रकारामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली असून या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार महेश सातपुते यांनी कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. महेश सातपुते यांच्या पत्नीला डिलिव्हरीसाठी 29 एप्रिल रोजी जहांगीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याच दिवशी संध्याकाळच्या सुमारास त्यांना मुलगी झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच पेशंटला पिण्यासाठी सूप देण्यात आलाय. रुग्णालयातून देण्यात आलेली सूप घेण्याचा आग्रह पती महेश सातपुते यांनी पत्नीला केलाय. त्यांच्या पत्नीने सूप घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांना चमचामध्ये रक्ताने माखलेले कापसाचे बोळे आढळून आले. या प्रकारामुळे महेश आणि त्यांच्या पत्नीला मात्र चांगलाच धक्का बसला आहे. 30 तारीख को जो ये घटना घटी हमारे हॉस्पिटल में, हमारा ऐसा मानना है कि ये जो घटना है एक सेबोटाज की कोशिश थी, क्योंकि हमारे जो किचन में है क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है. खाना किचन से ऊपर वॉच तक सील होकर जाता है. हमारी डाइटिशियंस और कुक उसको अच्छे से चेक करती हैं, सील करती हैं, उसके बाद ही वो वॉर्ड्स में पेशेंट्स के लिए जाता है. 30 तारीख को करीब 12:30 के करीब पेशेंट को सूप दिया गया था. उस वक्त पेशेंट ने उसको नहीं खाया था. थोड़ी देर के बाद जब पेशेंट ने को सूप खाना था, उन्होंने उस फ्लोर की मौसी को वो सूप गर्म करने के लिए दिया. गर्म करके जब ये आया तो उसमें ये 2 कॉटन बॉल्स पाई गई. इसीलिए हमारा मानना है क्योंकि ये सेबोटाज का इंसिडेंट है. पहली बात तो ये है कि किचन, हमारे किचन में कॉटन बॉल्स या अन्य कोई ऐसी चीज पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारे किचन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है. दूसरी बात ये है, आजकल जो हमारे हॉस्पिटल में यूनियन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके चलते भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेबोटाज का इशू है, क्योंकि 30 तारीख को ये घटना घटी और 1 तारीख को यूनियन के कर्मचारियों ने स्ट्राइक घोषित कर दी और वो स्ट्राइक पे चले गए. इसकी वजह से हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में अननोन व्यक्ति के खिलाफ सेबोटाज और पॉइजनिंग का कंप्लेंट भी जारी किया है.